बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ मैं दही की कढ़ाई, दही कढ़ी, जिसके लिए चाहिए हमें आधा किलो दही, पाव किलो मिर्ची, हरी मिर्चें जिसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, दही को भी ग्राइंड कर लेंगे और हरी मिर्ची को भी ग्राइंड करेंगे। और हम लेंगे थोड़ा बेसन, जिसके लिए मिला के हम कढ़ी में डालेंगे और हरी मिर्च का पेस्ट बना के भी दही के में डाल देंगे। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ दही में कड़ी पत्ता, करिया पाक और आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, डेढ़ चम्मच अदरक पेस्ट और डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चम्मच नमक, क्योंकि हरी मिर्च में भी नमक डाला था मैंने। मैं दही में कड़ी आटा लगाने के लिए आटा भिगा रही हूँ, जिसको हम दही में लगाएंगे। वे दही में डालकर मिला लेंगे। अब इन सबको मिला लेंगे, मिलाकर उसमें पानी डालेंगे हम, जितनी हमको चाहिए गाढ़ी उतनी मिला लेंगे। दही का आटा लगाने के बाद, पकने के बाद ये बहुत गाढ़ी होती है, इसलिए पानी डाल लेंगे इसमें अंदाजे के हिसाब से। पानी डाली हुई है, अब मैं इसमें चूल्हे पर रखी हूँ, चूल्हा तेज़ करके उसको हम मिलाते रहेंगे ऐसे ही पकने तक, वरना बेसन के आटे के लूंडे बन जाएंगे। दही कड़ी में हमें कोदमे डाल रही हैं, धनिया का पत्ता, वैसे ही डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें बीच में हम आटा ले लेके, दही का, चने का, बेसन का आटा और अलग कटोरी में लेके उसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, उसके भजिए तलने के लिए आटा मिला लेंगे। हमारे यहाँ दही कड़ी बन पकने लगी है। अब मैं एक कढ़ाई रखूँगी, मैं भजिए तलना स्टार्ट करूँगी। कड़ी पकने लगी है, कढ़ाई रख दी हमने और उसमें तेल डाल दूँगी। तेल डालने के बाद, तेल गर्म होने के बाद अब हम भजिए तलेंगे। भजी ऐसे ही चमचे से दाल पे तल लेंगे, जो बराबर एक शेप में आएंगे। भजिए तलना लाल हो रहे हैं,
अब ऐसे ही तलते जाएं, भजिया निकालते जाएं, ऐसे ही तल के निकालते रहें। आपको जितने भजिया लगेंगे उतने तल लीजिए। भजिया तले जा रहे हैं, मेरा भजिया तलना हो चुका है। अब मैं इसको भी निकाल देती हूँ। सारे भजिया ऐसे तलते रहे। भजिया तलना हो चुका है। और एक बार डाल रही हूँ मैं। ऐसे ही तलते जाएं, तलते जाएं। भजिए बहुत मज़ेदार बनेंगे। भजिया तलना हो चुका है। मैं भजियों को कढ़ी में डाल रही हूँ। बघारने से पहले भजियों को कढ़ी में डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें बघार डालेंगे। बघार के लिए चाहिए हमें जीरा 4/4 चम्मच राई और लहसुन, हरी पत्ता और लाल मिर्ची। बघार डाल रही हूँ मैं, तेल लाल तेल गर्म है। जो भजिया तले उसमें जीरा राई डाल दी हूँ, उसको गर्म होने देंगे, लाल होने देंगे। जीरा लाल और राई लाल होने के बाद, फूटने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। मैं डाल रही हूँ लहसुन उसमें, उसके बाद लाल मिर्च, करिया पाक, इन सब को लाल होने के बाद मैं इसमें कढ़ी में डाल दूंगी बघार। हमारी कढ़ी बन चुकी है। बड़ी शॉर्ट करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।